कैबिन से, इस बूथ से काफी ज्यादा इको सुन रही होगी। सो पूरे 8 घंटे की कंटिन्यूस मेहनत के बाद ये मैंने एकॉस्टिक ट्रीटमेंट पूरा कर दिया। वेलकम टू माई YouTube चैनल, मेरा नाम है अंकुश भारद्वाज और जैसा कि आप जानते हो मैं एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हूँ, साथ के साथ मैं फाउंडर हूँ अपने पर्सनल ब्रांड कैंपस इमो का। तो मैं आपके लिए डिफरेंट वीडियोस लाता रहता हूँ ट्रैवल के ऊपर, म्यूज़िक के ऊपर, आर्ट के ऊपर, बट आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक है होम स्टूडियो सेटअप। होम स्टूडियो सेटअप कैसे करना है एंड उसमें जो डिफरेंट टॉपिक्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो आज हम होम स्टूडियो सेटअप के बारे में बात करने वाले हैं, होम स्टूडियो सेटअप क्यों रिक्वायर्ड है, हमें होम स्टूडियो सेटअप कहाँ पर करना है अपने घर में, एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज, क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है होम स्टूडियो सेटअप करने में और उसका बजट क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की इस टॉपिक के साथ, हमें होम स्टूडियो सेटअप क्यों रिक्वायर्ड है। इसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो आप एक सिंगर हो, या तो आप रैपर हो, या वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो, यूट्यूबर हो, म्यूज़िक प्रोड्यूसर हो। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये हो सकता है कि आपके जो एरिया में प्रोफेशनल स्टूडियोज़ जो हैं वो आपसे काफ़ी ज़्यादा चार्ज करते हैं। वाई होम स्टूडियो नीडेड, आपको होम स्टूडियो एक क्यों रिक्वायर्ड है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं म्यूज़िक से काफ़ी अरसे से मैं जुड़ा हुआ हूँ। 2011 में मैं रैप इंडस्ट्री में आया, बट उससे पहले मेरा म्यूज़िक से काफ़ी ज़्यादा लगाव था। स्कूल डेज से मैं म्यूज़िक से जुड़ा हुआ हूँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया, ग्रुप सॉन्ग्स एंड काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक से जुड़ा हुआ था। बट इन 2011 मैं रैप इंडस्ट्री में आया एंड मुझे इस होम स्टूडियो की रिक्वायरमेंट पड़ी। क्यों पड़ी वो मैं बता देता हूँ। अगर मैं बाहर जाता हूँ किसी भी प्रोफेशनल स्टूडियो में, वहाँ पे मुझसे काफ़ी ज़्यादा चार्ज किया जाएगा, जो एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के लिए बजटेड बिल्कुल भी नहीं है। सो मैंने 2011 में होम स्टूडियो सेटअप किया और जितने भी मेरे अभी तक ऑनलाइन जितने भी सॉन्ग्स हैं वो सारे मैंने होम स्टूडियो सेटअप में ही डब किए। तो चलिए बताता हूँ मैंने 2011 में कैसे सेटअप किया। देखिए ये बिल्कुल बेसिक सा सेटअप है, इसमें कुछ भी मतलब प्रोफेशनल मैंने गियर्स कुछ भी यूज़ नहीं किए, बिल्कुल बेसिक सा बहुत ही कम बजट वाला ये होम स्टूडियो सेटअप था। इसके बाद इन 2017 मुझे जॉब के लिए गुड़गांव मूव होना पड़ा और मेरा म्यूज़िक से पूरा कनेक्शन टूट गया था फॉर 2 and 3 years। बट अब लॉकडाउन हुआ तो मैंने सोचा कि अपना पैशन क्यों ना फॉलो किया जाए, सो दोबारा से होम स्टूडियो सेटअप किया जाए। सो अब मैंने अपना बेसिक से थोड़ा सा डिफरेंट एंड यू कैन से प्रोफेशनल होम स्टूडियो सेटअप अब कर लिया है। जैसा कि हम बात कर रहे थे 2016-15 में मैंने जितने भी सॉन्ग्स किए वो अपने होम स्टूडियो में किए, बट अब जो मैंने सेटअप किया वो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, व्हाई होम स्टूडियो नीडेड। अगर आप म्यूज़िक प्रोड्यूसर हो, रैपर हो, सिंगर हो, आपको मार्केट में जाना पड़ेगा, प्रोफेशनल स्टूडियोज़ में जाना पड़ेगा अपनी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए, अपने सॉन्ग्स डब करने के लिए, जिसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी पॉकेट से खर्च करना पड़ेगा। आजकल जितने भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हैं वो अपना होम स्टूडियो सेटअप करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है होम स्टूडियो सेटअप करना, बहुत ही बजट में आपका होम स्टूडियो सेटअप हो जाएगा एंड बहुत ही कम इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड है आपको इस होम स्टूडियो सेटअप करने में। तो हमारा जो सेकेंड टॉपिक है, वेयर वी शुड सेटअप अवर होम स्टूडियो, तो सबसे पहले आपने सर्च करना है अपने घर में सबसे छोटा, सबसे स्मॉल साइज़ वाला रूम, जहाँ पर बाहर की साउंड, जो सराउंडिंग की वॉइसेस है, साउंड्स है, हॉर्न की वॉइसेस है, वो बहुत कम आती हो, मतलब बिल्कुल भी ना आती हो, ऐसा आपने घर में एक लोकेशन ढूंढिए, छोटा सा रूम ढूंढिए। डबिंग बूथ सेट करने के लिए आप अपने उस रूम का कॉर्नर ढूंढ लीजिए जहाँ पर आपको डबिंग रूम सेट करना है। चलिए डिस्कस करते हैं होम स्टूडियो सेटअप में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, डबिंग बूथ क्रिएट करने में हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होगी। डबिंग बूथ आपको बनाने में आपको चाहिए होंगे 5 प्लाईवुड, जिसका साइज 6x3 ले सकते हो, आप 6x4 ले सकते हो। आपको एल पत्ती की ज़रूरत पड़ेगी, 20 एल पत्ती की ज़रूरत पड़ेगी, जो किसी भी हार्डवेयर की शॉप से मिल सकती है आपको। 1/2 इंच के नट्स या फिर आप कीलें ले सकते हो। गेट बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी कब्ज़ा,
डोर क्लोजर एंड एक हैंडल की। डबिंग बूथ जब आपका प्रिपेयर हो जाए उसके बाद आपको इसकी साउंड प्रूफिंग करनी है। साउंड प्रूफिंग करने के लिए आपको रिक्वायर्ड होगी एकॉस्टिक फॉर्म्स और उसको पेस्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होगा फेविकोल का हीटेक्स। हीटेक्स आपको किसी भी हार्डवेयर की शॉप से मिल जाएगा। साथ में एक ले लीजिए कटर एंड एक ले लीजिए इंची टेप। साइज नापने के लिए डबिंग बूथ का आपको इंची टेप की ज़रूरत पड़ेगी। जब डबिंग बूथ आपका प्रिपेयर हो जाए उसके बाद आपको रिक्वायर्ड होंगे ये सभी इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट्स के लिए मैं आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर इक्विपमेंट का बजट एंड कहां से आपको परचेज करना है वो भी मैं बता दूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं डबिंग बूथ को कैसे प्रिपेयर किया। सो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये वुड क्वालिटी मैं यूज़ करने वाला हूँ ये डबिंग बूथ प्रिपेयर करने में। बाकी ये जो इक्विपमेंट्स है इसके बारे में हम लेटर ऑन डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। ये ढांचा हमने तैयार कर दिया है दो बोर्ड्स आमने सामने लगाकर और ये कटिंग कर दिया ग्लास के लिए। ग्लास हम ये वाला यहाँ पर फिक्स करने वाले हैं जिससे कंट्रोल रूम और डबिंग रूम के बीच कन्वर्जेशन कर सकें एक दूसरे को हम सामने देखकर। बाकी आपको मैं इस साइज़ बता देता हूँ। इस बूथ का नॉर्मल इंसान का साइज़ होता है 5 से 6 फीट और ये 6 फीट हाइट का मैंने रख लिया है और इसकी चौड़ाई रखी है मैंने 4 फीट। सो जैसे कि आपने देखा हमारा बेसिक डबिंग बूथ तो बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल रेडी है। अब उसकी छत कैसे लगाई जाए आओ आपको दिखाते हैं। तो चलिए छत बना रहे हैं हम। छत बनाने के लिए हमारे पास एक ऑलरेडी पीस पड़ा हुआ है वुड का, बट ये सेम एक्यूरेट नहीं लग पाएगा तो हमें इसे रिसाइजिंग करनी पड़ेगी, इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। कटिंग करने के लिए हमारे को ज़रूरत पड़ेगी एक इंची टेप की। इंची टेप से हम इसका साइज़ नाप लेंगे। सो वो जो दो ढांचे लगाए हैं उसके ऊपर ये बिल्कुल एक्यूरेट जम जाए तो फिर मतलब कोई भी हमारी साउंड बाहर ना जाए, बाहर की साउंड कुछ अंदर ना आए, उस अकॉर्डिंगली हम इसे काट लेते हैं। बेहतरीन 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 कट गया ये। अब ये हमारी छत रेडी है जिसे हमें फिक्स करना है बूथ के हेड पर। अब ये हमारी छत लग गई, बूथ का हेड भी इस प्रकार हमारा कवर हो चुका है। अब हमारा एक पोर्शन रह गया जिसे हमने कंप्लीट करना है। देखिए अलपति यूज़ करके हमने छत कैसे लगाई है, कमाल कमाल कमाल। एक पोर्शन हमारा बाकी है जहाँ हमारा लगेगा दरवाज़ा और दरवाजे का राइट पोर्शन। बूथ का थोड़ा हेड मजबूत करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एलपत्ती एंड 1/2 इंच के नट बोल्ट्स। देखिए हमने कैसे इसे यूज़ करके इसे कर लिया है मजबूत। लास्ट पोर्शन जो हमारा बचा है वो है दरवाज़ा और दरवाजे का राइट पोर्शन। हम साइज़ लेके इसे काट लेते हैं, दरवाजे का साइज भी ले लेंगे हम और उसके राइट पोर्शन का साइज भी। बिल्कुल इस प्रकार हमने इसे काट लिया है और हम राइट पोर्शन फिक्स करते हैं। दरवाजे को फिक्स करने से पहले हम उसके राइट साइड का पोर्शन फिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल साइज नाप के हमने इसकी कटिंग की थी और अब हम इसे फिक्स कर रहे हैं। दरवाजे का जो साइड का पोर्शन है बहुत ज़रूरी होता है दरवाजे के मतलब ओपन होना बंद होना, तो उसे बेहतरीन तरीके से कैसे फिक्स किया जाए आओ दिखाते हैं। वो जैसे देखा आपने हमने दरवाजे के साइड के पोर्शन को बहुत बेहतरीन तरीके से फिक्स कर दिया है। अब बारी है दरवाजे को कैसे फिक्स किया जाए। सबसे पहले दरवाजे की कटिंग करते हैं। तो दरवाजे की हमने कटिंग कर दिया और दरवाजे को फिक्स भी कर दिया। आओ आपको दिखाएं दरवाजा कितना बेहतरीन लग रहा है। ये देखिए ये इसे कहते हैं कब्जा और इसे हमने फिक्स कर दिया है पूरा A to Z एंड 00 कटिंग के साथ हमने बिल्कुल फिक्स कर दिया है। आओ आपको दिखाते हैं अंदर से। ये देखिए ये एलपत्ती इसे कहते हैं और एलपत्ती के साथ हमने फिक्स कर दिया है और हमने यहाँ पे लगा दिया है साथ में चिकनी। इसे बंद कर देंगे। अभी आपको इस कैबिन से इस बूथ से काफ़ी ज़्यादा इको सुन रही होगी, काफ़ी ज़्यादा इको प्रोड्यूस हो रही है जिसका हमने अभी एकॉस्टिक ट्रीटमेंट करना है। और हमने यहाँ पे फिक्स किया है एक LED पैनल लाइट जिसे मैं दिखा देता हूँ। ये LED पैनल लाइट 18 वॉट्स का है। आपको ब्राइटनेस दिख रही होगी आपको काफ़ी ज़्यादा। अब हम यहाँ पे चारों ओर इस बूथ के चारों ओर एकॉस्टिक ट्रीटमेंट करने वाले हैं साउंड प्रूफिंग। तो चलिए आज रात के लिए तो बस इतना ही, कल हम साउंड प्रूफिंग करेंगे, आपको दिखाते हैं साउंड प्रूफिंग कैसे होती है। तो चलिए हमने ऑर्डर की थी ऑनलाइन ये एकॉस्टिक फॉर्म, हमारी आ गई है, डिलीवर हो गई है। अब हमने इससे जो हमारा ये डबिंग बूथ है इसका
अकॉस्टिक ट्रीटमेंट करना है। स्टेप बाई स्टेप आपको समझाता हूँ मैं कैसे ये अप्लाई करना है। हमने चारों वॉल्स है जो हमारी कैबिन बूथ की, उसमें हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, मैंने अकॉस्टिक फोम को छोटे छोटे पीसेस में कट डाउन कर लिया है। मैंने इसे ऑर्डर किया था 6x3 के साइज में, सो सेम डायरेक्टली हम अप्लाई नहीं कर सकते, सो मैंने इसे 1x1 के साइज में इसे कट कर लिया है। कट करने के लिए मैंने हेल्प ली ये कटर की, एक कटर लिया। एंड अब इसकी पेस्टिंग करनी है। हमने पेस्टिंग के लिए चाहिए होगा हमें फेविकॉल का हीटेक्स, आप ये किसी भी हार्डवेयर की शॉप से ले सकते हो। एंड मैं इसको पेस्ट करने के लिए यूज़ करूँगा ये सनमाइका। तो कुछ डिफिकल्टी है, आपको दिखाता हूँ मैं कैसे इसको पेस्ट करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो पूरे 8 घंटे की कंटिन्यूस मेहनत के बाद ये मैंने अकॉस्टिक ट्रीटमेंट पूरा कर दिया है। साउंड ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है। अब आपको वॉइस क्वालिटी में कुछ डिफरेंस महसूस हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा तो मैं आपको पुराना दिखा देता हूँ विदाउट साउंड ट्रीटमेंट ये कैसा था। ये देखिए साउंड ट्रीटमेंट के बिना ये कैसी आवाज़ आ रही थी। इस कैबिन से, इस बूथ से काफ़ी ज़्यादा इको सुन रही होगी,
काफी ज्यादा इको प्रोड्यूस हो रही है। और अब देखिए आफ्टर साउंड ट्रीटमेंट, ये अकॉस्टिक पैनल यहाँ पे अप्लाई करने के बाद देखिए आवाज में थोड़ा सा डिफरेंस तो महसूस हुआ होगा। तो चलिए ये था हमारा होम स्टूडियो सेटअप का एपिसोड नंबर 1, जिसमें मैंने आपके साथ शेयर किया ये डबिंग बूथ की इम्पोर्टेंस क्या है एक बेसिक से होम स्टूडियो सेटअप में। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी ये डबिंग बूथ के आउटसाइड हम कैसे पेंट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल बजट में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सो नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशन से पता लग जाए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कैंपस इमो, पीस आउट। Thank you for watching this video. Subscribe my channel Campus Emo on YouTube. Thank you so much.